आउट का मतलब ये है ऐसे, अरे आउट आउट है ऐसे दूसरा। तो ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे हाथ क्यों लगाते हैं? ऐसे आउट का मतलब बना है इशारा, ऐसे फिर इशारा है शादी वाली उंगली आउट। अगर दूसरी अगर ना है शादी की अलावा दूसरी उंगली उठा दे तो? नहीं नहीं ये होती है ना, ये नहीं अगर दरमियान वाली नहीं 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 अगर नाट आउट है तो ऐसे। अच्छा दरमियान वाली उंगली से नहीं आउट? नहीं 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 शहादत वाली। अच्छा अच्छा। और अगर जी जी अगर अगर नाट आउट है ऐसे, अगर नो बॉल है ऐसे, अच्छा अगर वाइट बॉल है ऐसे। अगर नो बॉल का क्या इशारा है? ये तो पुलिस वाले का इशारा है। और उसका क्या इशारा है? क्या क्या नाम है लेग बाय का? लेग बाय का इशारा है जो खेल रहे हैं लेग बाय का ऐसे ऐसे। अच्छा आप ये बताएं कि आपने क्रिकेट खेली हुई है? जी मैं काफ़ी ऐसे काम 8-10 साल से मैं खेली क्रिकेट माशाल्लाह देखते भी रहे हैं खेलते भी रहे हैं और शौक खेलने का भी था और देख भी रहे हैं और देखते भी हैं। पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? अच्छी भाई बाबर आजम में लगता है बाबर आजम और रन रेट से और स्कोर अच्छा करने से और कप्तानी से बहरहाल माशाल्लाह अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो बैटिंग पिछले मैच भी की है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पूरी टीम और पूरी कौम और कामयाबी से 4-0 से बरसी हासिल है पाकिस्तान को। अच्छा। अगर अगर आज मैच जीती है तो माशाल्लाह 0 पे न्यूजीलैंड घर वापस वापस और मुबारकबाद की मुहिक है जो ये टीम अच्छी परफॉर्मेंस है बैटिंग बॉलिंग और इस लिहाज से अभी इशारा होगा 4 रन का अभी इशारा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग लाइन और बॉलिंग भी अच्छी जी जी और जो कारकर्दगी है इस मैच सीरीज में जो बॉलर बैट्समैन फील्डिंग उम्मीद है आज ही मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीती अगर पाकिस्तान लाइन अच्छी बैटिंग करे फख्र जमान जो गलती करने आया आइंदा ना करे जो मैच एक जीत है। दोनों में कौन है फख्र है या बाबर है? माशाल्लाह इसके लिहाज से तो मैं तो समझता हूँ बाबर है। किस लिहाज से? बैटिंग लाइन से बैटिंग लाइन से बाबर है। और बॉलिंग माशा भी बहुत मशहूर है और क्या है शहनशाह अफरीदी मशहूर है अच्छी बैटिंग अच्छी करते हैं बॉलिंग भी बैटिंग के लिहाज से उम्मीद है आज पाकिस्तान कम स्कोर पे आउट करे अगर जीत रहे हैं तो। अच्छा चले बहुत माशाल्लाह शुक्रिया आपको आपने मौका दिया बात करने का और शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच। चले जो सही है आपने बचपन में क्रिकेट कब खेली थी? पहले तो टेनिस खेलते रहे थे उसके बाद हार्ड बॉल 4-5 साल से। और कौन सी गेंदों से खेली है? प्लास्टिक से भी खेली है? हॉकी भी खेलते रहे। अच्छा हाँ जी हॉकी कितना अरसा खेली है? अभी कुछ 1.5 साल खेली है ज़्यादा क्रिकेट के ज़्यादा तो जो क्रिकेट में बैट्समैन या बॉलर? बॉलिंग भी और बैटिंग भी दोनों। अच्छा फास्ट बॉलर स्पिन बॉल और बैटिंग लाइन 30 रुपये 4 रुपये अब ज़्यादा प्रेशर हो तो फिर पहले। अच्छा मतलब टीम में प्रेशर जब ज्यादा हो तो आपको लेके आना। अच्छा 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 और टेनिस में ज्यादा खेल रहे हैं वो हार्ड बॉल से कम। अच्छा किसी बड़े खिलाड़ी से मुलाकात भी हुई है? बड़े नहीं हुई। क्यों? बस अभी गांव के आसपास जो इलाके के लड़के हैं उनके साथ मैच नहीं इमरान खान से हुई है कभी? ना 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 क्यों हमें क्या जब पाकिस्तान की टीम नामवार बैट्समैन नामवार बॉलर समझे थे और जवेद मियांदाद हो गया ज़हीर अब्बास हो गया आमिर सईद सईद अनवर माशाल्लाह बहुत अच्छे बैट्समैन और पार्टनरशिप देखने की मिलती थी लोगों को शौक भी था और देखते भी थे और सुनते भी थे टीवी पे और ग्राउंड पे जाकर मैच देखना और बड़े
शौक था लोगों को। कौन कौन से ग्राउंडों में आपने जाके मैच देखा? मैं तो नहीं देखा, नहीं देखा मैं टीवी पे ज्यादा, रेडियो पे। अभी जो टीवी आ गए वो रेडियो, छोटे रेडियो में सुनता था। हाँ जी हाँ। आज उसके बाद टूर्नामेंट में हिस्सा लेना, टीम को गांव की जो टीमें आसपास जो इलाके हैं अच्छा। उनमें दावत देते थे, काम 6-7-8 टीमें उनको शिकस्त दे। आप कप्तान थे टीम के? नहीं मैं तो कप्तान नहीं था, मैं मेरे गांव के लड़का था, वो क्या करता था। चले ठीक है ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे। थैंक यू, यू आर वेलकम।